हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल अल्फा ओवरसीज। आप सभी लोगों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं गाइस आपके अपने यूट्यूब चैनल अल्फा ओवरसीज पर। सो गाइस, बेसिकली आप जैसे कि जानते हो कि हम आपके लिए डिफरेंट कंट्रीज से न्यूज़ एंड जॉब्स लेकर आते रहते हैं रोज़ डेली, एंड अपलोड करते हैं वीडियो बना के इन्फॉर्मेशन को। ओके, सो गाइस, आज का जो हमारा बेसिकली टॉपिक है वो आपकी क्रोशिया जॉब्स के बारे में। अगर आप कोई भी इस फील्ड में आता हो बंदा, वो अप्लाई बहुत ही इजीली कर सकता है। ओके, सो गाइस, स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करना गाइस, बेल आइकन क्लिक करना एंड ऑल बटन दबाना, ताकि आप तक के सारी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले पहुंचे। जब भी हम कोई भी वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आप तक के सबसे पहले पहुंचे। ओके, सो गाइस, स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, बेसिकली आज की जो हमारी जॉब है वो आपकी क्रोशिया की। ओके, सो क्रोशिया बहुत सारे बंदे जानते होंगे, एक यूरोपियन कंट्री जो कि आपकी यूरोप की है। ओके, सो आप अप्लाई कर सकते हो उसके लिए बहुत ही इजीली, बहुत ही एफिशिएंटली आप अप्लाई कर सकते हो, विदाउट कोई भी आपको मेहनत नहीं करनी है। सारा वर्क लोड जो रहेगा वो हमारा रहेगा। ओके, सो अब बताता हूँ कि वो कौन कौन सी पोजीशंस हैं जिनके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। सो फर्स्ट पोजीशन गाइस जो हमारे पास है वो आपकी पाइप फिटर की है, एंड गाइस सेकंड जो है वो है हमारी इलेक्ट्रीशियन की। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सभी कैंडिडेट से ये कहना चाहता हूँ कि जो कोई भी बंदा शिपयार्ड का एक्सपीरियंस रखता हो, ओके, जिसके पास शिपयार्ड का एक्सपीरियंस हो, वही बंदा इन दो कैटेगरी के लिए अप्लाई कर सकता है। ओके, बेसिकली आपके पास मिनिमम एक्सपीरियंस जो है 3 इयर्स का होना चाहिए, 3 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है। ओके, बहुत ही मस्ट है। एंड सेकंड चीज़ जो आती है हमारी, आपको गाइस बेसिक इंग्लिश बोलना आनी चाहिए। ओके, एंड थर्ड जो क्राइटेरिया हमारे पास आता है, आपको 10 to 12 पास आउट होना चाहिए। ओके, आपके पास 10 to 12 की मार्कशीट होना चाहिए, वो भी 5 मार्कशीट। ओके, देन ओनली आप अप्लाई कर सकते हो। ओके, एंड तो आपका फोर्थ आता है आपका एज लिमिट। अगर कोई भी बंदा 45 के एज के अबव है, ओके, तो वो अप्लाई नहीं कर सकता। आपकी एज जो है 45 से कम होनी चाहिए। ओके, एंड 45, अगर आप 45 के हो देन ऑल्सो आप अप्लाई नहीं कर सकते। ओके, ये भी चीज़ को ध्यान रखना, क्योंकि एज क्राइटेरिया जो है वही 45 ईयर्स का है। ओके, सो आपको अगर यूँ कहा जाए कि 45 से 3 इयर्स, 4 इयर्स, 5 इयर्स, मतलब 4 साल, 5 साल कम ही होना चाहिए, ताकि आप जब वहाँ जाके वर्क करो तो जब तक कि आपका वर्क परमिट जो है वो एंड होता है, तब तक के आपकी एज 45 तक की नहीं पहुँचनी चाहिए। मतलब आप समझ गए होगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ओके, सो ये क्राइटेरिया है। आपके पास पाइप फिटर या इलेक्ट्रीशियन का आईटी डिप्लोमा होना चाहिए गाइस। ओके, सो बेसिकली गाइस, क्रोशिया बहुत ही एक अच्छी कंपनी है, इंडस्ट्रियलाइज कंट्री है, बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट है। बहुत सारे बंदे जाना चाहते हैं, बट ऐसी ऐसी कंडीशंस रहती हैं कि वो नहीं जा पाते, बट बेसिकली यहाँ पर जो कंडीशंस हैं वो बहुत ही ईजी हैं। ओके, अगर आप इन कंडीशंस को पार कर लेते हो, इन कंडीशंस को क्वालिफाई कर देते हो, तो बहुत ही ईजिली आप अप्लाई कर सकते हो। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, कि आपका जो सर्विस चार्ज है गाइस वो एप्लीकेबल है। सर्विस चार्ज बहुत ज़्यादा नहीं होगा। बस एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि गाइस, जब आप यहाँ से फ्लाई करोगे, ओके, सो यहाँ से फ्लाई करने के बाद आपको क्वारंटाइन होना पड़ेगा। हर कंट्री में ये चीज़ अभी तलक के चल रही है, ओके, COVID-19 की वजह से। एंड गाइस, अब बात करूँगा मैं आपके ड्यूटी आवर्स की, तो ड्यूटी आवर्स आपका 8 आवर्स रहेगा, प्लस आपका ओवर टाइम आपको मिलेगा। इन केस अगर आप ओवर टाइम नहीं करते हो तो गाइस आपको सैलरी अच्छी नहीं मिल पाएगी, बट मैं रिकमेंड करूँगा कि गाइस जब आप जा रहे हो कहीं वर्क करने तो ओवर टाइम ज़रूर करो। ओके, क्योंकि आप बेसिकली कहीं भी आप जाते हो तो वहाँ पर यही सोच के जाते हो कि भाई काम करना है। ओके, सो काम करना है तो ओवर टाइम करना, क्योंकि बहुत ही अच्छी सैलरी बनेगी आपकी। एंड बेसिक सैलरी मैं बता दूँ, अगर इंडियन करेंसी में बताऊँ तो 70,000, ओके, 70,000 रुपये आपके इंडियन करेंसी में बनेंगे। एंड अप्रॉक्सीमेटली यूरोस में आपकी जो सैलरी रहेगी वो 800 to 1,000 यूरो रहेगी। ओके, सो ये तो मैंने आपको बता दिया कि आपकी सैलरी का क्राइटेरिया क्या क्या, मतलब सैलरी आपकी कितनी रहेगी, एंड बेसिक सैलरी क्या है, इंडियन करेंसी में आपकी सैलरी क्या है। अब बात करेंगे हम अपने डॉक्यूमेंट्स की, तो बेसिकली अगर यूँ कहा जाए तो सारे वर्क परमिट जो कहीं, मतलब अगर यूँ कहा जाए कि अगर आप कहीं का भी वर्क परमिट अप्लाई कर रहे हो, तो बेसिकली जो आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो बेसिकली सेम होते हैं। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मालूम ही होगा कि आपका पासपोर्ट कॉपी लगेगा, फ्रंट एंड बैक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लगेगा बेसिकली। ओके, एंड आपका पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो जो है वो रेशियो
अब रेशियो जो है अभी फ़िलहाल अभी तलक के वो नहीं हुआ है क्लासिफाइड के रेशियो क्या रहेगा, बट आप हमसे अगर कांटेक्ट करोगे, कांटेक्ट नंबर जो है हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, जीमेल आईडी दे देंगे, आप वहाँ पर जाके हमें कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, सो रेशियो भी है बट गाइस अभी तलक क्लियर आउट नहीं हुआ, बट मैंने सोचा कि चलो कोई नहीं, फ़ोटो की कोई दिक्कत ही नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपने कैंडिडेट्स को इस चीज़ की न्यूज़ दे देते हैं। ओके, सो ये डॉक्यूमेंट्स आपके लगेंगे एंड आपका डिप्लोमा गाइस, ओके, आईटी सेक्टर से अगर आपने डिप्लोमा किया है तभी आप अप्लाई कर सकते हो। ओके, सो आपका डिप्लोमा होना बहुत ज़रूरी है, पाइप फिटर हो या इलेक्ट्रीशियन को, है आपका। वन मोर बहुत ही मतलब इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि आपका एक्सपीरियंस है गाइस। ओके, 3 साल का एक्सपीरियंस आपके पास मिनिमम होना चाहिए, उसका आपके पास एक्सपीरियंस लेटर होना चाहिए, वेदर आपने कहीं भी कोई भी कंपनी में वर्क किया हो। ओके, सो गाइस एंड लास्ट में एक डॉक्यूमेंट्स और है जो आपका है, आपका 10th एंड 12th की मार्कशीट अगर आपके पास है तो आपको भेजना है, एंड होने की बात तो एक अलग है क्योंकि 10th एंड 12th पास कैंडिडेट्स ही अप्लाई कर सकते हैं इस जॉब के लिए। ओके, सो गाइस ये थी आपके डॉक्यूमेंट्स की क्राइटेरिया, कौन कौन से आपके डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, क्या क्या आपका क्राइटेरिया रहेगा अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो। एंड एक चीज़ रिक्वेस्ट करूँगा गाइस के जो आपका प्रोसेसिंग टाइम है वो थोड़ा सा ज़्यादा है तो परेशान मत होना, 45 to 60 डेज़ का है, क्योंकि गाइस हम मैक्सिमम लेके चल रहे हैं, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि हम थोड़ा सा लेट हो जाते हैं एंड देन हमारा जो बंदा होता है वो हमसे नाराज़ होने लगता है, सो ये ना हो इसलिए हमने थोड़ा सा प्रोसेसिंग टाइम ज़्यादा लेके चल रहे हैं। एंड गाइस सर्विस चार्ज आपको कब देना है, कैसे देना है, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कह दूँ सर्विस चार्ज जो गाइस आपका रहेगा वो आपको वर्क परमिट से पहले नहीं देना है। ओके, सो गाइस आप बहुत ही निश्चिंत रहो कि आपको कोई भी पैसा नहीं देना है जब तक कि आपका वर्क नहीं होता है। एंड एक और रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर कोई भी टाइम पासर हो तो वो प्लीज़ परेशान मत करें, जो भी जेन्युइन बंदे हों और अप्लाई करना चाहते हों वो ज़रूर करें, हमारा हम सभी उनका वेलकम करते हैं। ओके, सो गाइस यहीं पे ख़त्म होती है हमारी आज की मुलाकात, फिर मिलेंगे एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी एंड जॉब एंड न्यूज़ के साथ, बट तब तक के लिए गाइस आपको वेट करना पड़ेगा हमारे अपने यूट्यूब चैनल अल्फा ओवरसीज पर। एंड गाइस जाते जाते रिक्वेस्ट करूँगा अगर आप हमारे चैनल पर नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। ओके, सो गाइस बाय एंड टेक केयर।